नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीके व्लॉग्स पे। तो भाई आज हम आए हैं अपने अपने गांव पैतृक गांव जिसे कहते हैं ना, वहां आए हुए हैं। और मेन रीज़न क्या है अपना आने का, पहली बात तो अपनी बुलेट देखो भाई, फुल मॉडिफाई अभी नहीं हुई है, फुल मॉडिफाई इसको हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। फिलहाल इसके अलॉय व्हील्स लगाए हुए हैं और बहुत शानदार लग रही है अलॉय व्हील में, ठीक है। और अभी हम जहाँ खड़े हैं वो है एक अपनी हॉन्टेड लोकेशन, द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ छलावा, जो कि वीडियो है। और इसका डिटेल में पूरा स्टोरी अभी तक हमने आपको नहीं दी है, बट आज शेखरदा हमारे साथ आए हैं तो कंप्लीट स्टोरी के साथ में यहाँ पे शूट होगा और बहुत जल्दी आपको अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में वो वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल जिस पर्पस से मैं आया हूँ वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, बस मेरे को यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट करना था और यहाँ का व्यू दिखाना था। बहुत शानदार व्यू है, व्यू इन्जॉय करो और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में अपने मेन कंटेंट के साथ में। तो भाई देख सकते हो ये रोड है छलावा एक्सपीरियंस वाली, सबसे ज़्यादा छलावा का एक्सपीरियंस हमको यहीं पे हुआ था। और ये देखो ये शानदार व्यू है, और जो ख़तरनाक व्यू हमारे लिए था वो ये था कि भाई यहाँ पे खाई थी अपने लिए, और यहाँ से हमको कभी भी हम खाई में गिर सकते थे, और कभी जानवर की आवाज़ इसके ऊपर से, कभी उसके ऊपर से, कभी यहाँ से, कभी कहीं से, मतलब हर जगह से जानवरों की आवाज़, कभी चिल्लाने की आवाज़, कभी बात करने की आवाज़, 50 तरह की चीज़ें हमारे साथ में यहाँ पर हुई थी। और ये देखो सामने वो शारदा है और शारदा के पार नेपाल है, बहुत शानदार व्यू है। तो भाई पहुंच चुके हैं गांव में और देखो कैसे उतर रही है गाय, देखो ऐसे ऐसे रास्तों से गाय उतरती है, देखो ये कैसे उतर रही है। तो भाई ताऊ जी हमको मिल गए हैं और ताऊ जी हमको हमारी लोकेशन पर ले जा रहे हैं। और बता देता हूँ लोकेशन है हमारे गाँव का मंदिर, जिसका मतलब छोटा मोटा निर्माण पूजा के लायक इस टाइप से कुछ किया गया है, तो वही दिखाने जा रहा हूँ। और वहाँ क्या क्या हो रहा है वो भी देखो आप, और रास्ता देखो पहले, तो ये थोड़ा कच्चा रास्ता है, फिर आगे थोड़ा सा कभी बना दिया इसको। तो भाई देख सकते हो ये इस तरह का कुछ रास्ता बनाया गया है हमारे मंदिर के लिए, और एक छोटा सा मंदिर ये बना दिया गया है सीमेंटेड करके इसको, और आगे भी है वो भी दिखाते हैं आपको। पहले यहाँ पे सिर्फ बहुत कच्चे रास्ते थे, यहाँ पे पत्थर वाला रास्ता बना दिया गया है। और ये देखिए बहुत ही शानदार, काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारे दादा हैं मिस्टर इंदर सिंह बिष्ट। नमस्ते दादा। नमस्ते। और यहाँ खान पान भी हो रहा है लोगों का। तो देखिए भाई, नमस्कार। नमस्ते साथी। हाँ नमस्ते दादा। तो यहाँ फल फ्रूट का आहार चल रहा है इन लोगों का, और यहाँ मंदिर है, और देख सकते हैं भाई ये है हमारा मेन मंदिर, जहाँ पे खान पान का सामान, नवरात्रे की पूजा चल रही है इसकी वजह से सारा सामान यहाँ रखा हो गया है। और यहाँ देख सकते हो ये मंदिर का निर्माण हो रखा है, वहाँ पे देखो उनकी फ़ोटो लगा रखी है और यहाँ फ़ोटोज़ लगाई हैं। तो पहाड़ों का मंदिर इस तरह से कुछ बनता है, तो ये टेंट भी कवर कर दिया थोड़ा बहुत यहाँ पर, और यहाँ पे ये पक्का सीमेंटेड पूरा बना दिया है। और यहाँ पे जैसे भंडारे का जब आयोजन होता है तो यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है, और आगे भी पूरा बनाया गया है। अरे ये तो रखो, क्या रखना? फ्रूट ये दे रख। और देखो भाई ये रास्ता थोड़ा और आगे जा रहा है, देखो एक कच्चा रास्ता है, इधर को हमारे खेत हैं ये सारे के सारे, यहाँ से ऊपर को हमारे सारे खेत हैं, और ये रास्ता आगे जा रहा है, और एक मंदिर बना रखा है आगे, वो भी देख लेते हैं भाई। तो है बहुत शानदार व्यू उस जगह का। तो भाई एक मंदिर यहाँ भी बनाया गया है, देख सकते हो ये भी बहुत अच्छा बनाया गया है पूजा करने के हिसाब से, और ये इस पर एक पेड़ लगा हुआ है, और वो खेत भी अपने ही हैं, बंजर पड़े हुए हैं, ठीक है, सब खेत अपने ही हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं। आओ वहाँ बैठते हैं। हाँ। और ये हैं हमारे मिस्टर नारायण सिंह बिष्ट,
हमारे दादा। नमस्ते दादा। और भैया क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। ये हमारे मिस्टर तेज सिंह बिस्ट, हमारे सुगीर निगाली के चैंपियन। हुआ ना उधर चाचा कि तो भाई शेखर दा का लग रहा था कि बता पीछे से क्या कहते हैं मेरे ऊपर कोई मतलब भीम शरीर वाला काला मेरे सर के पीछे खड़ा है और मेरे को बार बार पीछे मुड़ू तो वो एकदम गायब हो जाए फिर आ जाए सच में। अब मुझे वहाँ बहुत डर लगा, तो ये जैसे मैं एक चट्टान पे बैठा था ऊपर से ऐसे मेरे ऊपर एक चीज खड़ी थी, तो ये जो स्टोरी बता रहे हैं ऐसा देख इसका मतलब है। हाँ क्यों नहीं है, वहाँ पे है। तो भूत के डाना वाला जो हमारा वीडियो है उसके बारे में शेखर दा बता रहे हैं और सब लोग बता रहे हैं कि वहाँ से जो मंदिर हटाया गया वो मंदिर जो पहुँचाया गया है यहाँ पे, अभी भी ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ इस जगह पे, बस खाली त्रिशूल लगा के मंदिर को खड़ा किया गया, बाकी यहाँ काम होगा। वहाँ से हटा के मंदिर यहाँ लाया गया, यहाँ आ गया, वहाँ मंदिर नहीं रहने दिया गया और सब लोग यहाँ उस चीज़ के सबूत हैं, गवाह हैं एक तरह से कि मंदिर वहाँ से हटाया गया। वो उस चट्टान पे कहीं जाके मंदिर था, चट्टानों वाला पहाड़ है वो। तो ये एक स्टोरी है भूत के दाने वाली जो कि बता रहा हूँ मैं आपको, और भी चीज़ कवर करते हैं बताएंगे आपको। यहीं पे हमारे टेंट लगे थे, अभी टेंट लगा के दिखाएंगे टेंटों में क्या किया गया। तो ये है हमारे ताऊ जी जिनकी एज है 79 और ये है हमारे ताऊ जी जिनकी एज है 70 और वो है हमारे पिताजी जिनकी एज है 65 के आसपास ही है, 65-67 पता नहीं कितना है, 67 के आसपास है। पापा कितनी हो गई आपकी एज? 65 सही बताया मैंने। और देखो सबसे बुड्ढे लग रहे हैं हमारे, देखो ये हमारे भाई, ये देखो इनका पेड़ देखो, ये हेल्थ के लिए कुछ नहीं करते हैं, ये खाते हैं बैठते हैं और मेहनत तो करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद खाते भी अच्छे से हैं। तो खाते पीते घर के लोग ये हैं और हमारे ताऊ जी लोग जो खाते पीते घर के नहीं, देखो आज भी इनकी बॉडी मेंटेन है, इनके आज भी बढ़िया से एब्स सब निकले हुए हैं, फुल बॉडी में फुल कटिंग होगी इनकी बॉडी में आज भी। 80 साल की एज में भी फुल आज भी खेतों में काम करते हैं, अपने घर के गाय भैंसों का सब चीज़ों का काम अकेले कर लेते हैं, सारी चीज़ें ये अकेले सब चीज़ें निपटा लेते हैं, आज भी फुल फिट है। और वो लग रहा है हमारा कैंपिंग टेंट जो कि एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो मैं तो करता हूँ भाई एक दिन दो दिन की कैंपिंग, लेकिन यहाँ पापा ने कर दी है 9 दिन की कैंपिंग। नवरात्रि की पूजा थी, मंदिर का कंस्ट्रक्शन था, तो पापा ने और हमारे मिस्टर इंदर सिंह बिस्ट दादा ने डिसाइड किया कि 9 दिन की कैंपिंग यहाँ करेंगे और कंस्ट्रक्शन भी कर देंगे पूरा का पूरा, और 9 के 9 दिन यहाँ दिया जलता रहेगा, बढ़िया तरीके से पूजा पाठ होगी। तो इन्होंने टेंट वेंट सब लेके सब चीज़ें यहाँ पे फिट कर दी। तो फिलहाल टेंट लगा हुआ दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे कैंपिंग हो रही है 9 दिन की, वो दिखाते हैं आपको। आपने बाकी चीज़ें देखी ली मंदिर में, काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, बाकी टेंट का दिखाते हैं आपको। तो आपको दिखा रहे हैं भाई 9 दिन की कैंपिंग में, आज है 4th डे, 4th दिन है, और किस तरह से कैंपिंग हो रही है, और किस तरह से कैंपिंग हो रही है आपको दिखाता हूँ, पूरा टेंट का व्यू दिखाता हूँ किस तरह से इन्होंने पूरा प्रिपरेशन कर रखी है। आओ दिखाते हैं, ये दिखाओ जरा इस तरह से। रुक जाओ करने दो पहले, पूरा सेटअप किया गया है। इसमें भी लगाऊं? हाँ कंबल लगाओ ना इसका भी। ये टेंट दिखा देता हूँ आपको मैं पूरा का पूरा, ये एक टेंट ऐसे प्लेस किया गया है, ये बैक साइड उसमें खिड़की भी है, ठीक है, और ये शानदार व्यू है बहुत बढ़िया वाला। ये अपना 6 बंदों का टेंट, ये अपना 3 बंदों का टेंट, इसमें सो रहे हैं 2 बंदे, इसमें सो रहे हैं 2 बंदे, ठीक है। और फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ टेंट का पूरा ओवरव्यू किस तरह से प्रिपरेशन की गई है, गद्दे वद्दे लगा लोगों के प्रॉपरली। ये 2 टेंट लगाए गए मंदिर के पास में ताकि 9 दिन तक यहाँ पूजा चले और बत्ती जले, इस चीज़ को देखते हुए। और ज़रा इस टेंट का व्यू दिखाते हैं आपको, तो सीधे हम अंदर ही घुस के दिखाएंगे। ये देखो भैया, ये खिड़की खुली हुई है अपनी, और ये अपने बिस्तर हैं, स्लीपिंग बैग हैं, तकिया हैं, और इसमें इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है सोने का। तो भाई ये भी एक अलग, मतलब हम तो यार 1 दिन की कैंपिंग करते हैं, 2 दिन की कैंपिंग करते हैं, 2 दिन की भी कभी करी हमने आज तक, कभी करी है?
नहीं, हमने एक ही दिन की कैंपिंग कर रहे हैं, पूरे नवरात्रि की कर रहे हैं, ये पूरी नवरात्रि की कैंपिंग है और बहुत बड़ी चीज हो गई भाई, एक तरह से 9 दिन तक एक टेंट में, ठीक है, यही खाना वाना सब कुछ चीजें। अभी चाय पकाएंगे, चाय बनाएंगे, चाय भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल देखो ये 2 गद्दे यहाँ पे गद्दे लगा रखे हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट है सब चीजों का। और दूसरे टेंट में घुसते हैं, आ जाओ। ये है कम से कम 6 लोगों का टेंट लगेगा यहाँ पे, हमारे पास बंदे कम है तो हम कम बंदे सो रहे हैं यहाँ पे। फिलहाल देखो ये भी कितना बढ़िया अरेंजमेंट है, तकिया कंबल सब कुछ है यहाँ पे, 8 आ जाएंगे और बहुत ही शानदार है। मतलब अगर आप कंजेस्टेड होके सोओगे तो 8 आराम से सो जाओगे इसमें। हाँ, और वैसे आराम से कंफर्टेबल 4 लोग बहुत आराम से सोते हैं, आराम से, आराम से। तो ये है सबसे बड़ा टेंट अपना। और कमेंट आपने करना है किस चीज़ के लिए कि भाई हम इन टेंटों को एडवांस करें, कैंपिंग के गियर्स हम एडवांस लेकर आएँ आपके लिए और बढ़िया बढ़िया कैंपिंग लेवल दिखाएँ। अगर मेरे पास इतनी छुट्टी होती तो शायद 9 दिन के कैंप में मैं भी रुकता, बट जिम ज़रूरी है, बिजनेस ज़रूरी है, इसकी वजह से 9 दिन की कैंपिंग तो अपने लिए पॉसिबल नहीं है, बट 1 दिन की भी पॉसिबल नहीं है फिलहाल। तो हम तो यहाँ सिर्फ देखने के लिए आए थे और कोशिश करेंगे कि हम भी कभी इस तरह की कैंपिंग करें 3-4 दिन की, इस तरह से कुछ गाड़ी वाड़ी आ जाए फिर दिखाएंगे ऐसी कैंपिंग। और किस तरह की कैंपिंग आप देखना चाहते हो वो आपने कमेंट करना है कि इस कैंपिंग में कितना मज़ा आ रहा होगा। मतलब एक बंदा अकेला नहीं है यहाँ पे, कम से कम 5-6 बंदे, 4 कितने बंदे हैं, 6 लोग हैं। 2 लोग मंदिर में गद्दे लगाते हैं, 2 लोग इस टेंट में, 2 लोग उस टेंट पे सोते हैं, 2 लोग मंदिर की बत्ती देखते हैं और 2-2 लोग यहाँ इस तरह से सोते हैं। और इस तरह से पूरा अरेंजमेंट देखा जाता है। और मंदिर का आपने अरेंजमेंट देख लिया, बाकी वहीं चल के आपको दिखाते हैं चाय वाय बना के, फिर आपको आगे ले चलेंगे। तो भाई यहाँ कुकर में हो रहा है दूध गर्म और ये गैस यहाँ रखी गई है, सिलेंडर यहाँ लगाया गया है, मंदिर के हिसाब से पूरा का पूरा अरेंजमेंट किया गया है। अब मंदिर थोड़ा डिटेल में दिखा देते हैं आपको प्रॉपरली, इनको हटा दे क्योंकि पहले दिखाया नहीं था हमने। तो चल रही है यहाँ पर, उसको वो हटा, ये देखो बच्चे को दिखाते, चले जाओ उधर चले जाओ। ये है हमारा मंदिर और ये जो घाट है जो चढ़ाए गए हैं जिन्हें घंटी बोलते हैं, ये चढ़ाए गए हैं यहाँ पे। और अखंड ज्योत के दर्शन करा दूँ आपको, अखंड ज्योत जल रही है पूरे नवरात्रे से ली है ना, और ये इस तरह से है, इसको ढका गया ताकि ये जलती रहे। और रात भर 2 लोग यहाँ ड्यूटी पे बैठते हैं जो कि इसको मेंटेन करते हैं, देखते हैं कि भाई ये बुझे नहीं, और लगातार इसमें जो घी होता है, घी वगैरह डालते रहते हैं ना, सॉरी सरसों के तेल का होता है, नहीं तिल के तेल का सॉरी। और ये एक बड़ी घंटी है यहाँ पे, और देखो पूरा अरेंजमेंट बहुत बढ़िया किया गया है, मेरे को देखने में अच्छा ये लगा, बहुत ही शानदार लग रहा है इसका लुक। ओम का निशान है और बहुत ही बड़ा टाइल लेकर आ रखे हैं, टाइल लगाया है। और ये देखो यहाँ पे फोटोज लगा रखी हैं, ये बहुत बढ़िया लग रही हैं। और यहीं पे हमारी पारिवारिक जो पूजा होती है, हमारे खानदान की जो पूजा होती है वो यहीं होती है। अब इसका थोड़ा अरेंजमेंट अच्छा कर दिया गया है और आगे भी इसमें धीरे धीरे हम कुछ ना कुछ अच्छा करते जाएंगे इसमें अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है ना। यहाँ पर अखंड रामायण की बात, और यहाँ पे रखी गई है अखंड रामायण, यहाँ पे देखो अक्षत रखे गए हैं और यहाँ पे चावल रखे गए हैं और यहाँ पे फल फ्रूट रखे गए हैं, यहाँ पे घी रखा गया है, यहाँ पे प्रसाद रखा गया है, नारियल चढ़ाया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर डिटेल में जाएंगे तो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ खाने पीने का सामान रखा गया है, वहाँ मतलब जो सब्जी वब्जी रखी गई है पकाने के लिए वो भी दिखाता हूँ आपको। ये सारी सब्जियाँ, ये हैं अपने आलू, ये अपने टमाटर, ये गोभी, ये सोयाबीन, और ये देखिए लौकी, ये मिर्ची, शिमला मिर्च, और अपना गोभी, टमाटर वमाटर सब चीज़ें, मतलब जो है राशन पानी पूरा इकट्ठा किया गया है ताकि पूरा 9 दिन का अरेंजमेंट यहीं रह के हो, कहीं भी यहाँ से हिला नहीं जाएगा, कहीं भी यहाँ से जाया नहीं जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे बिजली का कनेक्शन किस तरह से बनाया गया है, ये है सोलर पावर्ड यहाँ पे कनेक्शन लिया गया है ताकि यहाँ पे ये प्रॉपर चीज़ें रन कर सके, एक बल्ब जलता रहेगा यहाँ पे रात को और ये सब चीज़ें मेंटेन रहेंगी। तो भैया इन दो डाल रहे, हमारी चाय बन चुकी है एकदम गर्मा गर्म चाय कड़क। और शेखर दा देखो बढ़िया सी यहाँ सिनेमेटिक शॉट्स ले रहे हैं चाय के, और यार चाय की खुशबू अलग आती है यहाँ पे आके, दालचीनी के पत्ता डाल रहा है, दालचीनी का पत्ता उसकी खुशबू आ रही है। हाँ तेज पत्ता बोलते हैं, दालचीनी बोलते, वो डाल दे खुशबू आने स्टार्ट हो गई। तो भाई आपने मेरे को कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे आप कैंपिंग करना चाहते हो, अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो तो हमें उसके लिए लोकेशन बनानी पड़ेगी,
सब चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आप कमेंट करोगे तो हम वो चीज़ें, वो कार्रवाई भी शुरू कर देंगे। और आपको नॉर्मल टेंट्स नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया जहाँ टेंट्स प्रोवाइड कराएंगे, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। मतलब ऐसा काम हम कर सकते हैं अगर आप कमेंट करो तो, ठीक है? तो आपने बताना है और हमने करना है, ठीक है? तो कमेंट करो और हम देखते हैं। अब तक हम चाय एंजॉय करते हैं। चाय लीजिए। शेखर दा, अरे चाची छुड़की पहाड़ों की चाय, पहाड़ों की चाय का कुछ अंदाजी अलग है। पकड़ ले जे, देखो भैया ले, ये देखो भैया क्या मस्त बकरी है, ये देखो बिना प्लानिंग के जंप मार रही है। पे लग गई थी भूख तो हमने मंगा लिए ये चने, और बहुत ज़्यादा मतलब लोग चने यहाँ पे खाते हैं क्योंकि ताकत मिलती है और यहाँ पे हार्ड वर्क ज़्यादा है, तो चने सबसे ज़्यादा बेस्ट है यहाँ के लिए। और देखिए थोड़ी सी प्याज डाली जा रही है ऊपर से, ये देखिए भाई ये है बढ़िया मज़ा। और हो सकता है मैं कल भी यहाँ पे आऊँ, डिपेंड करता है भाई सिचुएशन के ऊपर क्या रहती है, क्योंकि यहाँ कुछ सामान लेके आना है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, घोड़े वाला राशन खाते हुए और घोड़े पे बैठ के हम जाएंगे इसके बाद, ठीक है? घोड़ा ही है हमारे पास, बाबा घोड़ा ही है, वो बहुत तगड़ी हॉर्स पावर का घोड़ा है और आज उसकी परफॉर्मेंस मालूम चल गई शानदार वाली में। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।